देश में फास्टैग के लॉन्च के साथ ही जालसाजों ने नागरिकों को ठगने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। घोटाला करने वाले लोगों को पंजीकरण कराने और उनका फास्टैग ठीक से काम कर रहा है या नहीं ये चेक करने में मदद करने के बहाने यूपीआई के माध्यम से बैंक खातों से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस घोटाले की पहली घटना आधिकारिक तौर पर हाल ही में सामने आई थी, जब बेंगलुरु के एक व्यक्ति को घोटालेबाजों ने 50,000 रुपए का चूना लगा दिया था। इस व्यक्ति ने अपने फास्टैग को लेकर कंप्लेंट की थी, जिसके बाद उन्हें एक्सिस बैंक के एक तथाकथित ग्राहक सेवा कार्यकारी से एक फर्जी कॉल मिला, जिसने उन्हें कहा कि उन्हें अपने फास्टैग वॉलेट को यूज में लाने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। घोटालेबाजों ने चतुराई से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के बहाने कस्टमर को मूर्ख बनाकर उनका यूपीआई पिन ले लिया। पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक कॉल करने वाले उन्हें एक एसएमएस के माध्यम से लिंक भेजा, जिसमें एक्सिस बैंक फास्टैग फॉर्म लिखा था। इस फॉर्म में उनसे उनका नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई पिन जैसे विवरण मांगे गए थे। इसके बाद उनसे उनके फोन पर आया वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी मांगा गया, जो उन्होंने दे दिया। इसलिए दर्शकों को ये सलाह दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में वे किसी को भी किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी परिस्थिति में अपना पिन या पासवर्ड शेयर ना करें। फास्टैग के पंजीकरण के लिए आपको कोई भी पासवर्ड या ऑनलाइन बैंकिंग विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। फास्टैग सेवा नहीं होने के कारण घोटालेबाज नागरिकों को आसानी से धोखा देने की हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। केवल दो ही तरीकों से अपने फास्टैग को सक्रिय कर सकते हैं, या तो माई फास्टैग ऐप का इस्तेमाल करके या फिर निकटतम बैंक शाखा पर जाकर। फोन पर बैंक कर्मचारी से बात करके फास्टैग पंजीकरण नहीं हो सकता। इस मामले में आपको ऐसे कोई भी कॉल प्राप्त होती है तो तुरंत इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें, और ज्यादा अगर समस्या हो तो खुद बैंक जाकर शाखा से जरूर मिलें। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।